अब जैसा कि वो घर अटक के उसका खून गया तो वो प्रशांत के नीचे से खून देने लगा। तो प्रशांत ने देखा मेरे नीचे एक किला मिला क्या रहता है। उन्होंने उठ के देखा तो खून है। तो उन्होंने देख कर कहा अरे करंट में ये क्या क्या करें सर खून दे रहा है। प्रभु आपके नींद ढूंढे थी इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। तो उसने प्रशांत जी ने एक बात कही यह काम कोई ब्राह्मण नहीं कर सकता। ब्राह्मण रहता है तो चिल्ला के उठ जाता था तू ब्राह्मण नहीं है तू कौन है सच्चाई से बता। ये सहने शक्ति करने वाला कोई क्षत्रिय होना चाहिए या कोई देवता तत्व होना चाहिए। तू ब्राह्मण तो है ये बात पर सामने कही। और उन्होंने ये बात मान ली कि मैं शुद्ध पुत्र हूँ मैं गंगा जी में मिला हूँ। बात तो यही थी कि सूर्य भगवान से कुंती के धारण करके कर्ण को जल दिया था। तभी परशुराम जी ने कहा कि गुरु को झूठ बोलता है तो मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू सही समय में तेरी विद्या को भूल जाएगा। तू तो महान धनुर्योद्धा है तू महान योद्धा है तुझे कोई हरा नहीं सकता ये भी बात मेरी गारंटी है। लेकिन मैं तुझे आज श्राप देता हूँ तू सही समय में तेरी विद्या को तू भूल जाएगा। कर्ण की आंखों से आंसू आए अपने गुरु के चरण में नतमस्तक हुआ और कहा कि प्रभु मैं आगे आगे क्या कर सकता मैंने गलती तो की है मैं ब्राह्मण बोलते तुम्हारे पास आया झूठी तरीके से मैंने विद्या सीखी मुझे क्षमा कर दो। तो प्रशांत ने कहा मैं तेरे उस धैर्य को जो तूने मुझे बताया कि भौरा काटने पर खून जाने पर मैं उस तक नहीं कहा इससे यह भी आशीर्वाद देता हूँ कि तू तेरा नाम संसार में जल प्रसिद्ध होगा लेकिन तू तेरी विद्या को भूल जाए। कर्ण वहां से परशुराम जी से अपने लेकर आगे गए। उनके जीवन में आगे जाने के बाद कर्ण की उस श्रेष्ठता को सब लोग जानते थे। जब महाभारत युद्ध डिक्लेयर हो गया या युद्ध होना असंभव था तब इंद्र को पता चला कि मेरा बेटा अर्जुन कर्ण के साथ नहीं लड़ सकेगा युद्ध नहीं कर सकेगा। कर्ण बहुत योद्धा है और उसके पास विद्या है उसको कोई हरा नहीं सकता। और उसको इंद्र भगवान को पता था कि कर्ण दानी है जो भी पूछते हैं तो दे देता है। इंद्र ब्राह्मण का भी ध्यान करके कर्ण जहाँ उस अर्थनंदा पर ही उन्होंने सूर्य की साधना की थी और कवच कुंडल प्राप्त कर लिए थे और वहाँ वे साधना रहते थे वहाँ उन्होंने आकर ब्राह्मण के वेश में इंद्र आकर कहते हैं कि हे कर्ण मैं तुमसे एक दान की वस्तु चाहता हूँ। फिर कर्ण दान तो देने में प्रसिद्ध थे उन्होंने कहा कि मैं ऐसा कभी नहीं तुम जो भी मांगो मैं देने के लिए तैयार। तो कर्ण इंद्र जो ब्राह्मण के वेश में थे उन्होंने कहा कि कर्ण तुम्हें जो प्रदान हुआ कवच कुंडल है वो मुझे दे दो। कर्ण ने आंखें मूंद कर अपने भगवान सूर्य की तरफ देखा तो सूर्य ने कहा मत दे वो मांग रहा है वो इंद्र है उसके बेटे के लिए तेरे कवच कुंडल मांग रहा है क्योंकि वो मत दे। लेकिन कर्ण ने कहा कि पिताजी मैंने दान देने का व्रत किया अगर इंद्र जैसा महाराजा देवताओं का राजा मेरे पास आकर हाथ भीख मांगता है तो मैं उसे जरूर दूंगा। और उन्होंने अपने कवच कुंडल का पटकर अपने शरीर से निकाल कर दे दी। वो अपनी बात पर खड़े थे ये बात जब वो काट रहे थे तो इंद्र की आंखों में भी आंसू थे और भगवान सूर्य की आंखों में भी आंसू उन्हें कवच कुंडल निकाल कर दे दिए और कहा कि भगवान इंद्र आप मेरे प्राण भी मांगते तो मैं दे देता था अपने कवच कुंडल मांगने। तो इंद्र ने कहा कि हे कर्ण तुम्हारा नाम शाश्वत ऐसे इस संसार में बहुत ही सम्मान के साथ दिया जाएगा मैं तुम्हारा आशीर्वाद देता हूँ तुम्हारा यश नाम सूर्यचंद्र के रहते समय तक तुम्हें रहेगा लेकिन मैंने ये धृष्टता जो की तुम्हारा कवच कुंडल लिया है इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता यह मैंने भी तुम्हारे पास से लिया है। और उन्होंने कहा कि कर्ण तुम ऐसा कुछ भी एक अस्त्र मुझे मांगो मैं तुम्हारे लिए तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। तो कर्ण कहता है कि जो मेरे पास भीख मांगने के लिए आया मैं उससे भीख लूंगा ऐसा नहीं है मुझे कुछ नहीं चाहिए नहीं चाहिए। ये श्रेष्ठता होती है एक योद्धा की ये श्रेष्ठता होती है एक गुरु के शिष्य की ये श्रेष्ठता होती है अपने वचन पर खड़े रहने वालों की और जो साधक है वही ये कार्य कर सकता है दूसरे लोग नहीं। लालच में जो दो मिनट में डूब जाएंगे इंद्र पूछे तुम्हें कुछ चाहिए तो हम बोलेंगे एक सोने का बदला दे दो सोने का रख दे दो हम मामूली हो लेकिन जो साधक है जो गुरु से मांगने की इच्छा रखता है वो कभी किसी के सामने झुकता नहीं। कर्ण ने यही कार्य किया तब कर्ण ने आकर कहा ये सब हो गया तो कर्ण चिंता में पड़ गया और भगवान अपने पिता सूर्य को नमस्कार करते हुए कहा कि प्रभु ये आपकी क्या लीला है। तो कर्ण ने कहा कि ये उसलिए हुआ क्योंकि तुमने गुरुद्रोह किया था
इसलिए तेरे को कार्य सहना पड़ कार्य सहन करना पड़ रहा है। तब उन्होंने कहा इसका कोई उपाय तो होगा, तो तब कहा कि किसी भी प्रकार का तुम्हारे हाथों से गलती हुई हो, किसी भी प्रकार का तुम्हारे जीवन में पाप हुआ हो और उस पाप का तुम अगर भोग रहे हो, दरिद्रता हो, पैसों का नाम होना हो, कार्य होते होते रुपया हो और हमारे घर में या हमारे स्थान पर अपने माता पिता से हम दूर हो, हमारे लोगों से हम दूर हो गए हो, कहीं तू आज सभी से दूर है, तेरा तुझे अपना कहने वाला कोई नहीं है, इन सारे पापों को एक ही देवता है माफ करने वाला देवता एक है और वो है भैरव। उसे सूर्यपाणी चंडों को भैरव कहा जाता है। वह सारे पापों को किसी देवता को भी नहीं सुनता, ना किसी को भी नहीं सुनता और जो उसकी साधना करता। तब भगवान सूर्य ने कहा कि मैं तुझे वो साधना प्रदान करता हूँ जिसके कि सारे पाप तापों का तेरे किसी तेरे पुत्रों ने तेरे माँ बाप ने कभी तुझे गाली दी हो, तुझे साथ दे दिया हो कि तेरा राश हो, तुझे किसी अपने गुरु ने किसी गलती के कारण तुझे कुछ धोखे से साथ दिया हो, किसी देवता के पास तेरी गलती हो गई हो और तू दरिद्रता अनुभव कर रहा हो, तेरे बेटे पढ़ाई लिखाई में ठीक नहीं हो, तेरे बेटे ठीक नहीं हो, तेरी शांति नहीं हो, तुझे प्रेम करने वाले नहीं हो, तू सभी से दूर हो गया हो, अकेला हो, तो तब तेरे को रक्षा करने वाला एक भैरव है जो भय हर करने वाला है, हर भय को हर पाप का निवृत्ति करने वाला सूर्यपाणि चंड भैरव है। सूर्यपाणि चंड भैरव उग्र है, उसके साथ उसकी साधना करो। यही बात है जब भगवान शिव जी ने माता सती का उनके पिता हवन कर रहे थे और सती को बुलाया नहीं था हवन में, माता सती को बुलाया नहीं था, तो सती ये कहकर आई थी कि मेरे पिता ही है, नहीं बुलाया तो क्या हो, मैं मेरे पिता के घर जाऊंगी, और यज्ञ में आई थी, यज्ञ में जाने के बाद उनके पिता ने उसका अनुभव अपमान किया था, बहनों ने कोई किसी ने उसको नहीं देखा, सती अपमानित हुई अपने लोगों से, अपने पिता से, अपने भाई बहनों से, अपनी माता से। जब अपमानित हुई तो सती को सहन नहीं हुआ और वो अपने पति को भी अपना मुंह दिखाने के लायक नहीं रही। तब उसने कहा कि ये पिता मैं आज कहती हूँ मैंने मेरे पति के आज्ञा न मानकर यहाँ आने से आज मैं अनुभव कर रही हूँ, मैंने मेरे पति को छोड़ा है और जो पति को छोड़ता है उसकी क्या स्थिति होती है, ये किसी जन्म में भी कोई जन्म में भी क्या हालत होती है ये मैं आज अनुभव कर रही हूँ। मैं इस शरीर को उस अग्नि देवता को समर्पित कर देती हूँ कि शरीर ऐसा शरीर मुझे नहीं चाहिए, और उसने अपने शरीर को त्यागने की बात कही और जैसा ही बात करते हुए शिव जी को स्मरण करते हुए अग्नि को प्रज्वलित किया और अपने शरीर को दहन कर रही थी, ये बात शिव जी को बता दी। शिव जी इतने क्रोधित हो गए कि मेरी सती जल रही है और उन्होंने अपने शरीर से तांडव रुचि के साथ शरीर की शिखा खोली और शिखा से एक बाल निकाल कर डाला, उससे शिवों को बड़े चंड भैरव आया और कहा कि उस यज्ञ में मेरी सती जलते समय भी कितने ऋषि बैठे हुए थे, कितने देवता ब्रह्मा विष्णु कोई भी बैठे हुए थे सब लोग, लेकिन मेरे सती को जलते हुए किसी ने नहीं छोड़ा। हे शिवों को बड़े भैरव तू किसी को भी नहीं छोड़ना, सबको भगा देना, वहां से सबको मारना, ये बात शिव ने कही क्योंकि पाप था या मेरे सती को जलते हुए देखते हुए उन्हें नहीं छोड़ा था, मैं तुझे आज्ञा दे रहा हूँ कि तू जा, तुझे पाप नहीं लगेगा। और वो चंड भैरव आगे दूर से वहां से आया और उसने किसी को भी नहीं छोड़ा, देवता ऋषि सारे लोग भागने लगे, सारे लोग भागने लगे, उन्होंने कहा कि सारे पापों का नाश, मुझे किसी पाप को नहीं लगेगा, मेरे शिव का जो द्रोह करेगा मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, और उन्हें उनके पीछे गए। फिर बाद में ब्रह्मा आदि सब लोग भगवान शिव के पास गए और बोले उसको रोको, हम इस पाप को सहन नहीं करते, हमने पाप किया है, हमें किसी भी प्रकार हमारी रक्षा करो। शिव शांत हुए और उस भैरव को रोके। उसी भैरव की साधना में आज अष्टमी के दिन, कल से आज तक अष्टमी थी और भैरव अष्टमी कहलाई जाती है, आज मैं वो साधना आपको इसलिए दे रहा हूँ कि आपके जीवन में कोई काम रुक गया, संतान नहीं हो रहा है, शादी नहीं हो रही है, आपका कार्य नहीं चल रहा है, आपके घर में किसी कारण बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, गुरु जी किस कारण हमारे घर में दुख है, हम भाई बहन मिलते नहीं रहते, हम पति पत्नी मिलते नहीं रहते, झगड़े होते हैं, संसार में ये सारे होते हैं, अगर वो किसी दोष के साथ या किसी पापों के साथ होता है तो उन पापों का सारा निर्मूलन करना ये सूर्यपाणि चंड को भैरव करता है। और जिसके जीवन में ऐसा कुछ हुआ वो बात को याद रखें, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये परम पूज्य सतगुरुदेव जी की पत्रिका है उसमें गुरु जी ने कहा, और आज वही साधना मैं आपको देना चाहता हूँ जो अष्टम भैरव है। हो सकता है अतुल ढोन ने भी वो अल्लड़ हो, उसने गलती की हो, लेकिन मैं आप सभी को कहता हूँ कि हमें हमारे गुरुदेव स्वामी निखिलेश्वर जी है और हम स्वामी निखिलेश्वर जी के चरणों में बैठकर वो साधना संपन्न करें जो हम हमारे जीवन में साधनाएं करने के बाद भी हमें सिद्धियाँ नहीं मिलती या साधना करने के बाद भी उसका फल नहीं मिलता। तो एक बार इस भैरव की साधना करके गुरु ने कहा था कि इस साधना को करके आप कोई भी महाविद्या साधना संपन्न करो,
किसी ऋषि का शाप आपके जीवन में हो, कोई व्यापार आपका न चलता हो, आपके घर में आपके बच्चों की या आपके घर में किसी प्रकार की सुख शांति न हो, आपके कार्य में अड़चने आ रही हो, अब अच्छा काम करो या बुरा काम करो अड़चने आ रही हो, तो आप याद रखें कि इस भैरव की साधना को आप अपने जीवन में संपन्न करो, आपको किसी प्रकार की कमी नहीं होगी। आज भी अगर आप जाते हैं तो कभी मुझे भी समय मिला तो आपको ले जाऊँगा। आज प्रयाग में कर्ण प्रयाग नाम का स्थान है, आप सब लोगों ने सुना होगा कर्ण प्रयाग है, और उस कर्ण प्रयाग में वहाँ वो भैरव की मूर्ति है जो मैं आज में कह रहा हूँ। उस कर्ण ने वह भैरव साधना संपन्न की थी और उसने महाभारत युद्ध में सबके सामने डटकर युद्ध किया था, और उसके पाप का दहन करते हुए कर्ण ने उस भैरव की साधना करने के बाद दुर्योधन ने उसको राज्य किया, उसको अपना राजा बनाया था। उसके सारे पाप गुरु का कोप उसके ऊपर होने के बाद भी कर्ण ने इंद्र ने उनका कवच छोड़ने लेने के बाद भी भैरव की साधना के कारण कर्ण पूजनीय हुआ, यशस्वी हुआ और उस भैरव साधना से वो राजा बना। मैं आपको कहता हूँ आपके जीवन में अगर यश नहीं मिलता है, आपके जीवन में सम्मान नहीं है, आपके जीवन में अपनी जीवन जीते हो तो ये बात याद रखो, अपना जो अपने गुरु के लिए सर्वस्व त्याग करता है और ये कहता है कि मैं गुरु के लिए क्या किया हूँ, तो तुम इस जन्म में तुम्हारे जीवन में वो सब सारा सम्मान होगा। मैं भी आपको कहता हूँ, मैं एक छोटी सी नौकरी पे काम करता था, अब जिस दिन मैंने देखा कि मैं मुझे साधनाएं करनी है, गुरु के प्रति समर्पित होना है, उसे पत्नी को भी नौकरी दी, मुझे भी नौकरी दी सरकारी, और एक बार गुरु के पास आकर कहा कि प्रभु मैं साधना करना चाहता हूँ लेकिन नौकरी के कारण मैं साधना ही नहीं कर सकता, पत्नी है दो बच्चे हैं ये सारे नहीं हो सकता। गुरु जी हंसे मुस्कुराए और कुछ नहीं कहा, मैं बहुत प्रयत्न किया कि नौकरी और साधनाएं करता रहूँ लेकिन नहीं हुआ, और एक दिन यूँ ही निर्णय ले लिया कि नौकरी छोड़ दूंगा साधनाएं करूँगा। मेरे पिताजी ने इतनी गलियाँ दी कि आप क्या बता, मैंने नौकरी छोड़ दी। आपको आज भी बता देता हूँ, पिताजी ने परम पूज्य सद्गुरुदेव जी को खत लिखा कि मेरा बेटा अनिल कुमार जोशी, उसको सरकारी नौकरी है, वो कलेक्टर हो सकता है, डिप्टी कलेक्टर हो सकता है, वो साधना करता हूँ, वो इधर नौकरी छोड़ रहा है, उसके दो बच्चे हैं, पत्नी है, उसके 6 भाई हैं, वो नौकरी छोड़ रहा है, आप उसको कुछ बोलो। आज मैं गुरु जी ने मुझे फोन पर ये बात बताई कि मेरे पिताजी का पता है, लेकिन मैं उस बात पर अड़ा रहा कि मैं नौकरी छोड़ूंगा, साधना के बल पर जी के बताऊंगा, और मैं आज के आपके सामने बैठा हूँ। उस दिन एक परिवार को चलाने के लिए मुझमें शक्ति नहीं थी, मेरे पत्नी बच्चों को ज्यादा से ज्यादा देख सकता था या उससे मुझे एक छोटा सा प्यार कर सकता था, लेकिन जिस गुरु साधना पर आज काम कर रहा हूँ, आज 200 फैमिली 200 परिवार को मेरे साथ गुरु की कृपा से चलाता हूँ, आश्रम चलाता हूँ, और वो भी किसी कृपा से एक पैसा ना लेते। मैं आपको कहता हूँ ऐसी भैरव साधना, ऐसी साधनाएं आप जीवन में करते रहो, कभी भी आपके जीवन में कुछ कम नहीं पड़ेगा। और जो साधना रही है, मैं इतनी बात कहता हूँ, मैं उनके बारे में नहीं कहता, क्योंकि गुरु जी ने सिद्धाश्रम साधक परिवार की स्थापना की थी, केवल यह साधना एक दिन की साधना है, और इस साधना को आप अगर अपने जीवन में संपन्न करते हैं तो आप किसी भी दर्शन किया या आपके घर में परिवार में किसी भी प्रकार का शाप हो, अशांति हो, घर में शादियाँ नहीं हो रही हो, व्यापार न चल रहा हो, आपके घर में किसी प्रकार का दुख हो, तो उन दुखों को किसी कारणवश पितृदोष के कारण हो, देवता के ऋषि मुनि के शापों के कारण हो, क्योंकि हमारे में देव ऋण है, ऋषि ऋण है, पितृ ऋण है, इन ऋणों को अगर नहीं चुकाते तो इन ऋणों को चुकाने के लिए हमें जीवन में बहुत प्रकार का संकट झेलना पड़ता है। केवल यह एक दिन की साधना है, और जो इस भैरव साधना को आज अष्टमी भैरव इस भैरव की तिथि के दिन जो ये साधना संपन्न करेगा, उससे जाए सारे कष्टों को भैरव हरण करेंगे, और ऐसा यंत्र प्रभु ने सद्गुरुदेव जी की कृपा से मैंने तैयार किया है, और आप सभी के लिए इस भैरव सिद्धि के लिए आपने अष्ट भैरवों में आज उस संहार भैरव का, उस चंडोक सूर्यपाणी भैरव का आज जयंती मनाई जाती है, और उस साधना को मैं आप दे रहा हूँ, जीवन में एक दिन की साधना संपन्न करो। अगर आप पाओ कि किसी भी महाविद्या को या किसी भी आपके जीवन में सारे अड़चनों को खत्म करने वाली यह साधना आपके सामने मैं करवाने जा रहा हूँ। आपने बहुत सारे गुरुओं को देखा होगा, बहुत सारे साधनाओं को की होगी, लेकिन एक बार यह साधना भी करके देखो जो आपके जीवन के कष्टों का हरण करेगी। एक दिन की साधना, आज साधना नहीं कर सकते तो किसी भी शनिवार या रविवार को भी यह साधना संपन्न कर सकते हैं, कोई भी कृष्ण अष्टमी को या अमावस्या को भी ये साधना कर सकते हैं। आज नहीं हुई तो आप केवल इस यंत्र को घर में रखना, 40 दिन तक आपके जीवन में सम्मान प्रदान करने वाली यह साधना, यह भैरव यंत्र आपके जीवन में काम करेगा। केवल घर में रखो, बस है उसके ऊपर एक लाल फूल और सिंदूर चढ़ाओ, आपके जीवन में उज्ज्वलता लाएगी, आपके जीवन के सारे कष्टों को हर देगी और आपके जीवन को उज्ज्वल बनाएगी, सम्मान वर्धक बनाएगी। मैं ऐसा ही आशीर्वाद देता हूँ कि आप एक 10 मिनट में उस भैरव यंत्र को लेकर आओ, मैं आपके साथ साधना करवाता हूँ। Thank you.